सोलन में कर्फ्यू चल रहा है। ये कर्फ्यू इसलिए लगाया गया था ताकि सभी जिलावासी सुरक्षित रहें और कोरोना का संक्रमण जिला में ना फैले। सोलन के जागरूक नागरिक भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं और जो भी निर्देश समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं उनका अनुकरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के महत्व को नहीं समझा और नियमों को वे तोड़ रहे हैं, जिसके चलते जहाँ एक ओर वे अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही वे समाज के लिए भी सरदर्द साबित हो रहे हैं। इसलिए सोलन जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है और उनके वाहन भी जब्त किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ है तब से पुलिस ने जिलावासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ओर जहां शहरवासियों को जागरूक किया है, वहीं नियमों की अवहेलना करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। उन्होंने बताया कि आज तक पुलिस विभाग द्वारा करीब 133 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 90 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। देखिए, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है सोलन पुलिस ने तकरीबन 133 केसेस लॉकडाउन के वायोलेशन में दर्ज किए हैं, जो कि 188, 269, 270 IPC और DM एक्ट में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन वायोलेशन में काफ़ी सारी गाड़ियों को भी इम्पाउंड किया गया है, जो लगभग हमारा 90 के करीब फिगर पहुँच चुका है। और डेली हम लॉकडाउन वायलेशन के संदर्भ में केसेस को दर्ज कर रहे हैं और गाड़ियों को भी इम्पाउंड कर रहे हैं। और ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि जहां व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है और वो होम क्वारंटाइन तोड़ता है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा IPC की धाराओं और DM एक्ट के तहत दर्ज किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन तोड़ता है तो उसको मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी भेजा जा रहा है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि अगर आपको होम क्वारंटीन के लिए रिकमेंड किया गया है तो कृपया घर में ही रहें और परिवार के सदस्यों से भी दूरी बनाए रखें, और होम क्वारंटीन का जो जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसका बिल्कुल 100% पालन करें। और अगर आप होम क्वारंटीन वायलेट करते हैं और तो आपको FIR तो दर्ज होगी, साथ में आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में ही भेजा जाएगा। यही कहना चाहूँगा, कानून तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन लोग भी इसमें सचेत रहें और हमें जैसे लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं अगर कहीं कोई वायलेशन दिखती है, तो पुलिस और प्रशासन तो अपना एक कई लेयर्ड 7 लेयर्ड हमने एक चेक सिस्टम बनाया है, तो उसके साथ हम तो मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, साथ में हमें लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी व्यक्ति ने लॉकडाउन तोड़ा है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो मेरी यही अपील रहेगी सबसे कि प्रशासन पुलिस के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं वो पूरे सबके सारे लोगों की भलाई के लिए ही हैं, तो उनका पालन करें और लॉकडाउन का और होम क्वारंटीन की दिशा निर्देशों का पालन करें।